हज पे जो फिरका वाराना लिटरेचर तकसीम होता है उस पे ये लिखा है कि कोई सहाबी कभी बरकत लेने के लिए किसी जगह पे नहीं गया, और ये लोगों ने अकीदा घड़ लिया है। बार बार इसको प्रिंट किया जाता है, कोई सहाबी किसी जगह बरकत लेने नहीं गया, और कहें अगर किसी का ये अकीदा है कि फलां जगह जाके नमाज पढ़ूंगा तो लिखा है उनकी किताबों में वो अकीदा रखने वाला अबू जाल से बड़ा मुशरिक है माजल्ला। तो मैंने इस झूठ का जवाब देते हुए यह दलील पेश की थी। मैंने मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल से, वफाउल वफा से, और मैंने अलअदबुल मुफरज से यह हदीस पेश की थी कि मदीना शरीफ में एक पहाड़ है जिसका नाम जबले सलाह, उस पहाड़ के साथ खंदक के आसार हैं। जब जंगे खंदक लड़ी जा रही थी, एक छोटी सी पहाड़ी जिसको फतेह की पहाड़ी कहा जाता है, वहां मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, और वहां मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला ने कहते हैं, दुआ फी मस्जिद अल फतह सलासा, नबी अलैहिस्सलाम ने तीन दिन दुआ मांगी थी, यौम अल इस्नैन व यौम अल सुलासा व यौम अल अरबिया। यौम अल अरबिया कहां से कहां तक? फरमाया एक दिन पीर का था, एक मंगल का था, एक बुध का था। तो क्या हुआ? कहते हैं वो बुध वाले दिन दुआ कबूल हो गई। बैन सलातैन, दो नमाजों के वक्त के दरमियान दुआ कबूल हो गई। तो महबूब अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। अब हजरत जाबिर का अकीदा क्या बन गया? ये मुसनद इमाम अहमद, वफाउल वफा, अलअदबुल मुफरद, इन तीनों का हवाला मैंने पेश किया, उनका अकीदा बन गया। हजरत जाबिर कहते हैं, फलम यंजिल बी अमरुम मुहिमुन गायज़ुन और गलीज, एक रिवायत में गलीज है, एक में गायज है, इल्ला तवक्खई तो तिलकस्सा, कहते हैं मेरी पूरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल पेश आई है तो क्या हुआ? कहा मैंने उस जगह उस वक्त में दुआ मांगी है, हाथ नीचे नहीं किए थे, मुश्किल हल हो गई थी। अब ये मैंने कहा कि सहाबी हैं, बिदती नहीं है, दुआ तो अल्लाह हर जगह से सुनता है, क्यों जाते थे मस्जिद फतेह की जगह, क्यों दुआ मांगते थे? तो पता चला सहाबा का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस जगह पे कदम लगाते हैं वहां बरकतें ज्यादा होती हैं, और जिस वक्त दुआ मांगते हैं वहां दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। तो मैंने कहा देख लो, सहाबी हैं, उनका अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के जहां कदम लगे वहां से बरकत मिलती है, तो तुम किताबों में झूठ लिखते हो कि किसी सहाबी का यह अकीदा नहीं था। यह सहाबा का अकीदा है, संदे सही से साबित है कि वो जाते थे, और कलमाते हसर हैं, कहते कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुश्किल आई हो और मैं ना गया हूं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां गया हूं और मुश्किल हल ना हुई हो। मुश्किल हल हुई है, मैं गया हूं, दुआ मांगी है और मेरा काम बन गया है। अब इस मकाम पर मुझे उन्होंने जो जवाब भेजा है झूठी हदीस के नाम से, उनका इस हदीस से इतना साबित होता है कि हजरत जाबिर उस वक्त दुआ मांगते थे कि जिस वक्त सरकार ने दुआ मांगी थी, उस जगह जाना साबित नहीं है, सिर्फ उस वक्त दुआ मांगते थे, उस जगह जाना साबित नहीं, ये जगह जाना तुमने खुद घड़ा हुआ है बरकत साबित करने के लिए कि वहां जाने से बरकतें मिलती हैं, जगह साबित नहीं, कहते सिर्फ वक्त साबित है। मैं कहता हूं चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, पहले ये तो मान गए कि जिस वक्त में महबूब दुआ मांगे वो वक्त वक्तों में मुमताज हो जाता है। पता चला कि जिस जमान को निस्बत हो जाए उनकी जात से, वो जमान जमानों में मुमताज हो गया। तो मैं कहता हूं जिस मकान को निस्बत हो जाए उनकी जात से, वो मकान मकानों से भी मुमताज हो गया। लिहाजा
उनका अकीदा जो था उसके मुताबिक तो वक्त में भी बरकत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि उनका अकीदा है कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी नफे नुकसान के मालिक नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो दे नहीं सकते। और ये कोई बरकत थोड़ी है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने एक वक्त बुध में दुआ मांगी और क्यामत तक की बुध उसकी वो घड़ी बरकत वाली बन जाए, ये फैज भी थोड़ा तो नहीं। लेकिन जहां तक उनका ये कहना है कि जगह जाने का जिक्र नहीं, तुम जगह में बरकत समझते हो और जगह जाके बरकतें मांगते हो, तो दलील मैं ला रहा हूं। ये मेरे पास किताब उस इमाम की है जिसको इमाम बुखारी कहा जाता है, ये मैंने हवाले में पहले नंबर पर पेश की, मुसनद इमाम अहमद वफाउल वफा अल अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी की किताब। ये इमाम बुखारी का अंदाज, ये इमाम बुखारी की तहकीक और इमाम बुखारी का इश्क, ये 704 नंबर पे हदीस है, इसमें 704 नंबर, ये दार इब्ने कसीर दमिश्क बैरूत की छपी हुई और अल अदबुल मुफरद हर जगह से मिल जाती है। मैंने नंबर इसलिए बता दिया जो चाहे चेक कर ले और फिर माने कि दाता के दीवाने झूठी हदीसें नहीं पेश करते, सच्ची हदीसें पेश करते हैं। शर्क व गरब तक नजद के बिज्जुओं को चैलेंज है मेरा, ये इमाम बरेलवी का फिक्री बेटा बोल रहा है और दस्तक दे के ऐलान कर रहा है, हम रियालों पे नहीं मदीना के नवालों पे पले हैं। पूरी सनद साथ लिखी हुई है। अन अब्दुल रहमान बिन काब काल समेतो जाबिर बिन अब्दुल्ला, मैंने हजरत जाबिर से सुना, जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, यकूल वो कहते हैं दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजल मस्जिद, ए मस्जिद अल फतह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में, पता चला कि कहीं पास खड़े थे, का इस मस्जिद में यानी मस्जिद फतह में क्या किया था, दुआ मांगी थी यौम अल इस्नैन व यौम अल सुलासा व यौम अल अरबिया फस्तुजीब लहू बैन सलातैन, बुध वाले दिन दो नमाजों के दरमियानी वक्फे में दुआ कबूल हो गई। तो फिर क्या हुआ, काला काला जाबिर, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा वलम यंजिल भी अमरुम मुहिम गायज, और दूसरे में गलीज का लफ्ज है, इसमें गायज का माना दोनों का एक है, भारा काम मुश्किल काम निहायत मुसीबत, फलम यंजिल भी अमरुम मुहिम गायज इल्ला तवख्खैतो तिलकस्सा, मेरी पूरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है तो मैंने इरादा किया तिलकस्सा उस घड़ी का जिस घड़ी में नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, फदउतुल्लाह मैंने रब से दुआ मांगी फी है उस मस्जिद फतह में बैन सलातैन दो नमाजों के दरमियान यौम अल अरबिया बुध के दिन फी दिल कस्सा उस घड़ी में इल्ला रफ्तुल इजाबता, जो ही दुआ मांगता गया दुआ कबूल हो गई। अब दोबारा सुनो लफज क्या है जो मेरी दलील है, पहले भी इल्ला तवख्खी तो तिल कस्सा, सा मुअन्नस है, मस्जिद मुजक्कर है, आगे अल्फाज क्या है, फदउतुल्लाह फी है मैंने रब से दुआ की उसमें, अगर होता ना उस घड़ी में तो होता फी हा, यहां क्या है फी है,
और दूसरी दलील के आगे लिखा है फी तिल कसा, घड़ी का अलहदा जिक्र कर दिया दो बार, पहले कहा इल्ला तबख तो तिल कसा, फिर कहा फी तिल कसा, मैंने उस घड़ी का इरादा किया, उस घड़ी के अंदर फी है, इस मस्जिद फतह में मैंने जब भी दुआ मांगी है मेरी दुआ कबूल हो गई है। इस वास्ते इमाम बुखारी का यह मजमुआ हदीस अल अदबुल मुफरद पेश करके शर्क व गरब तक झूठी हदीस का लेबल लगाने वालों को चैलेंज कर रहा हूं, मुंह बोला इनाम उनको दूंगा अगर वो इस बात को झूठा साबित करें। रब्बे काबा की कसम, ये इमाम बुखारी के अल्फाज वाजे कर रहे हैं कि हजरत जाबिर का ईमान था, जिस घड़ी में महबूब ने दुआ की वो घड़ी भी बरकत वाली थी, जिस मस्जिद में दुआ की वो मस्जिद भी बरकत वाली बन गई है। इस वास्ते मेरे पास अल मदीना अखबार का वो पूरा हिस्सा मौजूद है, जबले सला की कटाई होने लगी तो वहां के उलमा में जिनके मदीना शरीफ के गवर्नर उम्मल कुरा और जामिया मदीना मुरवरा के एक प्रोफेसर और उसके अलावा बल्दिया मदीना शरीफ के एक रहनुमा, उनका बयान मौजूद था। उन्होंने कहा जबले सला के साथ हम ट्रेडिंग सेंटर नहीं बनने देंगे और मस्जिद फतह हम इसकी कटाई नहीं होने देंगे। उसके अंदर अल वतन अखबार में और अल मदीना में इस चीज को वाजे रखा गया। उन्होंने कहा ये वो जगह है जहां दुआएं कबूल होती हैं, और कहा यह किसी खानदान की जागीर नहीं, ये उम्मत की जागीर है कि जो चाहे वहां के दुआ मांगे। इस बुनियाद पर ये देखो हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के इस अंदाज से उनके झूठ को मैं मुस्तरद कर रहा हूं, मचमयाम में दुनिया के सामने लाइव पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और ये बता रहा हूं कि हम अहले सुन्नत व जमात के मसलक की बुनियाद झूठ पर नहीं है, अल्लाह के फजल से फौलाद से पुख्ता दलीलों पर मौजूद है।